इनफैक्ट एक बार अश्वत्थामा जो है क्योंकि ईर्ष्यालु है भाई साहब, तो एक बार कृष्ण इन्होंने बड़ा की बड़ी आओ भगत की राई, अरे कृष्ण जी अरे आपकी आओ भगत ये हे हे हा हा हो। भगवान ने कहा भाई इतनी अच्छी आओ भगत की है, कुछ चाहिए बताओ। हाँ चाहिए था, आपको सुदर्शन चक्र मिल जाता तो बड़ा अच्छा हो जाता। कहते हाँ क्यों नहीं, बिल्कुल ले लो जी। भगवान श्री कृष्ण ने सुदर्शन लगाया मंगाया सुदर्शन, कहते ले लो जी। अब सुदर्शन जो है इसको अब दे दिया, तो अब सुदर्शन जो है ट्रैवल करके अब जा रहे हैं अश्वत्थामा की ओर। तो अश्वत्थामा ने हंसना शुरू कर दिया, अरे कमाल हो गया, फंस गया तो किसन कन्हैया रे, अब देख मैं इसी सुदर्शन से तेरा मैं गला काट दूंगा। भगवान ने कहा भाई तो गला तो काट दियो, मैं तेरे मना कहाँ कर रहा हूँ, लेकिन एक बार धारण तो कर ले एक बार इसको। हाँ धारण कर लेता हूँ अभी। जैसे सुदर्शन पास आ रहा था उसकी हीट से सुदर्शन चक्र की ही वॉज बर्निंग। ने कहा ठीक है वापस ले लेते हैं, तो दूध वार दूं, नहीं नहीं नहीं। सुदर्शन चक्र के जैसा अस्त्र जो है पूरी सृष्टि में नोवेयर। इवन हालांकि हमने एक एग्जांपल सुना है कि ना गांधारी ने भगवान श्री कृष्ण को श्राप दिया था कि जिस तरह से मेरे कुल का नाश तुमने किया है कृष्णा, एक दिन तुम्हारे कुल का भी नाश हो जाएगा, मैं तुमको श्राप देती हूँ। जिस तरह से गांधारी ने श्राप दिया भगवान को, तो भगवान को श्राप लगा क्या? अगर उनको श्राप लगा होता तो उद्धव जी जो है उनको भी चले जाना चाहिए था, वो भी यदुवंशी है। तो यदु वो रहे, यही प्रूफ है कि भगवान श्री कृष्ण पर श्राप का असर नहीं हुआ। बल्कि जो गांधारी थी उनको भी आकर सिखानी थी कि भगवान को श्राप नहीं देते, जिनको श्राप दे रही ना गुस्से में आकर के, वो है कौन? वो परम भगवान है। तो गांधारी जो है रोते भिलकते पहुंच गई वहां पर कुरुक्षेत्र की भूमि पे, मेरे बच्चे रो रही थी, रो रही थी, रोते रोते क्या हुआ, रात हो गई, रात हो गई, रोए 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 जाए रोए जाए, अभी आंखों से इनकी पट्टी हट चुकी है, रो रही थी रो रही थी। तो इनको बहुत भूख लगी, बहुत भूख लगी गांधारी को, भूख लगी क्या करूं। तो विजय कुरुक्षेत्र बीच में एक पेड़ उनको नजर आया, कहते अरे इसमें आम लगा हुआ है भाई, आम खाते हो, लेकिन आम तक ना हाथ नहीं पहुंच पा रहा था, उनका हाथ नहीं पहुंच पा रहा था। कहते अरे मैं क्या करूं, अरे हाथ नहीं पहुंच रहा। तो आसपास कोई डेड बॉडीज जो पड़ी हुई थी क्षत्रियों के, वो लेकर के खींचनी शुरू की, उसके ऊपर चढ़ करके आम लेना चाहे। इस तरह बॉडी खींचती रही उसके ऊपर चढ़ती रही, चढ़ते चढ़ते सुबह के 4:30 बज गए। करते करते जब फाइनली आम पहुंच, जैसे ही हाथ आया वहीं उस डेड बॉडीज के टीले के ऊपर बैठ करके वहीं चबड़ चबड़ खाना शुरू कर दिया। तभी भगवान श्री कृष्ण कहते हैं और गांधारी क्या कर रही है, कहते हैं आम खा रही हूँ, बहुत भूख लगी थी, रात भर मैं रोती रही तो मेरे को बहुत भूख लगी थी इसलिए मैं आम खा रही हूँ। तो कृष्ण भगवान ने कहा अच्छा लेकिन कहाँ बैठे खा रही है, जब नीचे देख, नीचे देखा अपने 100 पुत्रों की लाश के ऊपर बैठ करके उसके टीले के ऊपर बैठ के आम खा रही थी। तो वहां श्री कृष्ण ने कहा इन्हीं बच्चों के मुंह में आकर के तूने मुझे श्राप दिया था राइट, तो तेरा यही प्यार है बच्चों से कि उनके ऊपर बैठ करके तू आम खा रही है उनकी डेड बॉडी के ऊपर बैठ करके। तब गांधारी को अकल आए कि वास्तव में सांसारिक मुंह में पढ़ करके हम कहीं भगवान को दोष दे देते हैं कि भगवान आपने ये किया वो किया, लेकिन वास्तव में सब मुंह होता है, असल में हम किसी से प्यार व्यार नहीं करते, हम सिर्फ खुद से प्यार करते हैं। जब भूख लगी तो अपने बच्चों की डेड बॉडी के ऊपर बैठ करके आम खा रही है वो गांधारी। तो भगवान ने सबक सिखाया गांधारी को, गांधारी गॉड द लेसन कहती है प्रभु क्षमा कर दीजिए, श्राप जो है मैंने आपको दिया, मैंने गलती हो गई मेरे से, मुझे क्षमा कर दीजिए भगवान, मैंने आपको श्राप दिया। भगवान ने कहा तुम्हारे श्राप का असर होता नहीं, क्योंकि मैं भगवान प्रभु हूँ ना, भगवान के ऊपर जो है श्राप का असर होता नहीं है। तो इससे भगवान श्री कृष्ण है वास्तव में ही इस सर्वशक्तिमान, सबसे अधिक शक्तिशाली है, ये सबको आकर्षित करने वाले हैं ये भगवान श्री कृष्ण। इस समय भगवान श्री कृष्ण विदुर रानी के पास गए थे, हालांकि दिया था इन्विटेशन दुर्योधन ने,